हेलो एवरीवन गाइस, एज़ यू कैन सी LIC का जो स्टॉक है कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल का। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। LIC के स्टॉक के बारे में, आई थिंक व्हेन इट वाज एट 550-600 लेवल्स, वहाँ से आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने बताया था आपको, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एनालाइज़ करते हैं कि हाउ कैन दिस स्टॉक डबल फ्रॉम हियर, और बहुत क्लियरली कहा था। और जब टाइम आता है तो इट्स समटाइम्स गुड टू जस्ट स्पेल इट आउट कि क्यों ये हुआ है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में उसका जो मार्केट शेयर है वो तो एक्चुअली कम हो रहा था, ये हमने भी देखा था लास्ट 2-3 साल में। प्राइवेट प्लेयर्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है, बट गाइस LIC का अगर आप देखोगे कभी एनुअल रिपोर्ट, आप एक केस स्टडी ले लो और जस्ट ओपन अप इट्स एनुअल रिपोर्ट, जितने साल से वो डोमिनेंट रहा है और जितने एसेट्स हैं उनके पास, रिटर्न ऑन एसेट्स, सिर्फ अगर मैं ROA के मेट्रिक पे LIC को जज करता हूँ तो वो हमारे देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ साथ सबसे बड़ी कंपनी भी बन सकती है आफ्टर रिलायंस, HDFC एंड द टाटा ग्रुप। और होता क्या है कि जब भी इंडियन स्टॉक में हैवी मात्रा में शॉर्टिंग होती है, हेज फंड्स US में या ग्लोबली कहीं से भी शॉर्टिंग करते हैं, जैसे बीच में अडानी ग्रुप में हुआ था या बीच में HDFC बैंक में भी हुआ था एक दो बार, जब FIIs बेच के निकल रहे थे, आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले ना, जनवरी में। LIC इज़ द मोस्ट रिलायबल इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो एक DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो आगे आके बल्क में क्वांटिटी उठाने की शक्ति रखता है। एंड इनका जो बिजनेस मॉडल है वो तो स्टडी है ही, क्योंकि इंश्योरेंस आपने प्रीमियम तो भरना ही है, बट मोर देन दैट इट वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट ब्रेकआउट विच इट गॉट अराउंड 790-800 लेवल्स, उसी के आसपास। जब एक बार वो वहाँ से निकला, और अभी तो PSU स्टॉक्स के रैली के चक्कर में काफ़ी चल गया, अब वॉट नेक्स्ट? नाउ दिस स्टॉक इज़ इन कम्प्लीट ब्लू स्काई टेरिटरी, यहाँ से अभी ये किसी भी तरफ जा सकता है, कहाँ जाके ये रैली रुकेगी वी डोंट नो। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह के स्टॉक्स में जब इस तरह की रैली आती है तो गिरावट भी आ सकती है शॉर्ट टर्म में। मुझे अभी भी लगता है कि PSU में, बिफोर यू कैन गो एंड बैक टेस्ट माई वीडियोज़, बहुत कम कंपनीज हम लोग पकड़ते थे जो LIC एक इंश्योरेंस का गुंडा बन के बैठा हुआ था, वो कंपनी में आप कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकते, क्योंकि LIC के इन्वेस्टमेंट्स इतने सारे इंडियन कंपनीज़ में हैं। अगर मैं सिर्फ LIC में एज अ DII, फॉरगेट द बिजनेस मॉडल, सिर्फ एज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी उनको वैल्यू करूं, जो उनके रिटर्न ऑन एसेट्स पे मैं करता हूं, तो भी मुझे वो स्टॉक एक फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस लगता है, फॉरगेट द इंश्योरेंस बिजनेस, क्योंकि जितने एसेट्स उनके पास है पूरे देश में, आई डोंट थिंक मेरे नज़र में किसी कंपनी के हाथ में होंगे। बट यहाँ से फ्रेश एंट्री, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र उस सब के लिए, लेकिन हमारे तो एनालिसिस में है तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक वंस इन अ वाइल। फ्रेश एंट्री डिफ़िकल्ट लगता है, ये 500-600 पे वही होता है ना, जब चीज़ें अच्छे भाव में होती है तो खबर अच्छी नहीं होती, जब खबरें अच्छी आती है भाव एकदम ऊपर निकल गया है, अब आप देखो तो अब आपको एंट्री करने का मन करेगा, और या तो FOMO होगा, बट डोंट गेट इन टू दैट, यू विल गेट अ लॉट ऑफ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो अभी नीचे चल रहे हैं, और आपने इसी चैनल पे वो स्टॉक्स की चर्चा भी देखी है, सुनी है, वो अब आपको ही ढूंढना है, बिकॉज वी वॉन्ट टू एम्पावर पीपल टू डू देयर ओन एनालिसिस, ताकि आप किसी ठग के उसमें फंस के कुछ गलत ट्रेड ना लें। यू शुड एक्चुअली लर्न द आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू ट्रेडिंग ऑल्सो। वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ साथ वैल्यू ट्रेडिंग भी एक चीज़ होती है जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं आपको काफ़ी जल्द उसके बारे में अपडेट करूँगा विद सम न्यू अपडेट्स ऑन आर चैनल, एंड आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन द सेम। तब तक के लिए कीप प्रॉफिटिंग गाइज़।